हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की बड़ी खबर, दोस्तों आईपीएल 2024 का आज 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि इस मुकाबले में दोनों धांगड़ टीमें आमने सामने होंगी। तो दोस्तों क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम आज यहाँ पर जीतने वाली है, दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे कौन से स्टेडियम में और कितने समय शुरू होगा आईपीएल 2024 का 22वां मुकाबला। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि 22वें मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगा इस मैच में, सीएसके का विनिंग फार्मूला। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का 22वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के एम ए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों ये मुकाबले से पहले दोनों टीमों के पिछले मैच की प्रदर्शन की बात करें तो दोस्तों कोलकाता ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों वहीं चेन्नई को सनराइजर हैदराबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों ऐसे में ये देखना होगा कि खासकर चेन्नई इस मैच के लिए अपने प्लेइंग 11 में क्या बदलाव कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई ने सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी। दोस्तों टीम ने इस सीजन पहले दो मुकाबले में जीत दर्ज की लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार दो मैच गंवा दिए दोस्तों, जो अब टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों ऐसे में अगर टीम को आने वाले मुकाबले में वापसी करनी है तो उन्हें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, दोस्तों कुछ कमजोरियों को दूर करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई के लिए सबसे बड़ी परेशानी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म है। जी हां दोस्तों, इस सीजन अभी तक एक भी पारी ऐसी बड़ी नहीं खेली है। दोस्तों वहीं मुजफ्फर रहमान और पथराना के जाने के बाद सीएसके की गेंदबाजी भी काफी कमजोर नजर आ रही है। दोस्तों ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम केकेआर के खिलाफ मैच के लिए अपनी प्लेन कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव कर सकती है। दोस्तों कोलकाता की बात करें तो इस सीजन कुल 3 मुकाबले खेले और सभी में उन्हें जीत मिली है। दोस्तों जिस तरह केकेआर के बल्लेबाज सीजन बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि वो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वहीं उनके गेंदबाज भी इस सीजन जबरदस्त लय में दिख रहे हैं। दोस्तों ऐसे में वो प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ शायद ही कोई छेड़छाड़ करे, शायद ये संभव है कि वो सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरे। दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, रचिन रविंदर, अजिंक्य राणे, मोइन अली, डेविड मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी विकेट कीपर, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, महेशा पथराना। कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 फिलिप्स सॉल्ट विकेट कीपर, सुनील नारायण विकेट, शेयर कप्तान रिंकू सिंह, अंकुश रघुवंशी, आंद्रसेल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षल राणा, वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के एम ए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी और दोस्तों यहां पर चेन्नई जीतेगी। जी हाँ दोस्तों यहां पर चेन्नई जीतेगी और दोस्तों यहां पर चेन्नई जीतने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 का 22वां मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, दोस्तों चेन्नई जीतेगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।